चैनल हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे का दिन और 21st of July, तो गुड मॉर्निंग। और बस आज क्योंकि कल आज दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी हो रही है, शौर्य स्कूल गया है और अनका आज छुट्टी है, तो और मुझे कल दो ऑर्डर आया है, एक आया है डोनट का और एक आया है चॉकलेट कपकेक का, तो मैं अभी डोनट बना रही हूँ। और आज बस यही है, आज अभी स्टार्टिंग में भी यही है, पूरा दिन में क्या क्या करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ और व्लॉग पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा ही मिलेगा बीच में, तो प्लीज व्लॉग एंड तक देखिएगा। और पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस जर्नी में। डेली कुछ ना कुछ आपको टिप्स ट्रिक्स कुछ ना कुछ बातें मैं जरूर बताऊंगी, तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ डोनट मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे डोनट के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ये ईस्ट है, ठीक है, एक्टिव ड्राई ईस्ट मैंने लिया है, ये चीनी है और इसमें ना हल्का सा हम लोग गर्म वार्म ल्यूक वार्म वाटर डालेंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं मैदा का डोनट बना रही हूँ, मैदा से ही बना रही हूँ, तो मैं मैदा इसमें जब ये फ्रॉथ हो जाएगा तब उसमें मैदा मिक्स करके थोड़ा देर आटा गूंद के छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये ल्यूक वार्म वाटर ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म, और इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं ना पहले से ही मैदा छान के रख लूँगी ताकि वो जब फ्रॉथ हो जाए उधर ये ईस्ट रेडी हो जाए। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट 150 ग्राम मैदा ले रही हूँ क्योंकि 4 ही पीस बनाना है, बट थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी तो शौर्य भी खाएगा, तो यहाँ पे पहले से मैदा नाप के रख लेंगे। मैंने थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर भी डाला है इसमें, मिक्स करके इसको गूंद लेंगे अच्छे से। ऐसे आटा को गूंद लिए हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ तेल गरम हो गया है, आज के खाना में बन रहा है, ब्रेकफास्ट तो हो गया, ऐसे खाना बन रहा है दाल चावल और चिकन करी और भिंडी का भुजिया। और कहीं कुछ कहीं से लौट के आओ और कुछ ख़राब ना हो घर में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कहीं आप बाहर से घूम के आ रहे हैं तो, और जब ऑलरेडी आपका पैसा खर्च हो चुका है उसके बाद आके खर्च होना ज़रूरी है। हमारा वाटर फिल्टर ख़राब हो गया है, पानी गिर रहा है पूरा, तो इसमें भी आते के साथ वो मुझे पता है कि वो 2-3 हज़ार से कम का तो अमाउंट नहीं बताएगा, सर इसमें ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो यहाँ से पूरा पानी गिर रहा है, पानी पूरा पता नहीं लगता है अंदर, ये हर बार होता है ऐसा। आई थिंक जब से लगवाया उससे 5-6 बार तो हो गया, हमने 5 साल लगवाए हुए, उसके दौरान कुछ ना कुछ इसमें ख़राबी होते ही रहता है, कभी ये फट गया, कभी प्यूरीफायर वो ख़राब हो गया अंदर का, फिल्टर ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है। फिलहाल तो इसमें ये है, आएगा चेक करेगा और लंबा चौड़ा खर्चा बताएगा, 2-3 हज़ार मिनिमम। तब तक इधर खाना बना लेते हैं, सारा कुछ तैयारी कर लिया है और बस खाना वाना बनाएंगे, और थोड़ा बहुत एडिटिंग कर रही थी मैं, तो चलिए बनाते हैं खाना। ये मैंने बोला था ना कि आए, मतलब लिप केयर सॉरी वाटर फिल्टर वाले को बुलाएंगे तो कम से कम 5 हज़ार का चटका तो लगाएगा ही, वही हुआ, 4 हज़ार कुछ रुपये का लगा के गया चटका। और क्या करें, बोला कि ये ख़राब है वो ख़राब है, फिल्टर ख़राब है, स्टेबलाइजर कौन क्या क्या बहुत कुछ बोला, ये खराब है वो खराब है,
आया बनाया बना के गया। तो मतलब कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ हो तो उसमें 3-4 हज़ार अब सब पकड़ के चलिए, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा ही। और ये सब ऐसा नेसेसिटी है कि क्या करें, पानी तो पीना ही है। तो वाटर फिल्टर ऐसे असल में क्या हो रहा है कि ये हर बार क्या होता है, प्रेशर यहाँ बहुत है तो प्रेशर से फट जाता है उसका जो ट्यूब्स होता है। तो वही इस बार पूछे हैं तो बोला है कि थोड़ा प्रेशर कम कर दीजिए वाटर जो नल है। तो चलिए ये सब तो होते रहता है। फिलहाल मैं बना रही हूँ चिकन करी। और चिकन करी के लिए इस बार मैं क्या किया है, पेस्ट बना लिया है सारा चीज़ का, प्याज अदरक लहसुन और मिर्ची, ये 4 चीज़ का पेस्ट है ये, ठीक है। और इसको सिर्फ चिकन मैरिनेटेड है, उसको सिर्फ मिला के पका लेंगे। और आज बहुत लेट हो गया है ये सब के चक्कर में, और मुझे कपकेक्स वगैरह भी बनाना है। खैर वो तो बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो मैं दिन में बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल शौर्य से आने से पहले दाल चावल और भिंडी का भुजिया तो बन गया है, बट इनके लिए चिकन करी बनाना है तो वो बना रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ा देर में। पर कुछ मतलब मैं कभी कभी नया नया चीज़ ट्राई करती रहती हूँ। इस बार मैंने ये कॉइन पराठा मंगवाया है असल का, ये 55 रुपये का, आई थिंक 4 पीसेज है। तो ये छोटे छोटे पराठा है, कॉइन पराठा है ऐसे स्मॉल स्मॉल साइज़ का। तो देखेंगे चिकन करी के साथ खाएंगे, और चावल तो बनाया ही है बट ये भी ट्राई करेंगे, नहीं तो या तो रात को भी खा सकते हैं, रोटी की जगह इसी को खा लेंगे। अच्छा लग रहा है, 55 रुपीस का दिया है 4 पीस। अभी हम लोग आए हैं चाय और समोसा खाने यहाँ पे। मैं चाय समोसा सॉरी फ्रेंच फ्राइज तो भूल ही गए, जहाँ भी जाएंगे फ्रेंच फ्राइज तो खाना ही है। आज मौसम भी दम ठंडा ठंडा है और नींद तो सुबह से लगे हुए, और डोनट और कपकेक्स बनाना था आज का, लगता है दिन ही ठीक नहीं था। 2 बार बनाया बट दोनों मतलब एक बार मतलब मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना तब तक मन नहीं लगता है, तो 2 बार बनाया बट ठीक है, देखते हैं जिसको लेना है उनको पसंद आना चाहिए। चाय अच्छा, ब्रेड पकौड़ा। अरे मेरा बैक कैमरा, हमारा चाय भी आ गया, गर्मा गर्म चाय।